इंदौर के जुनिंदौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपियों से अन्य मामलों में पूछताछ जारी है। दरअसल दीपावली के एक दिन पहले सेफी नगर रेलवे स्टेशन पर अनस अली और उसके साथियों के साथ 3 बदमाशों ने चाकू की नोक पर मोबाइल फोन और नगद की लूट की घटना को अंजाम दिया था। फरियादी ने इसकी शिकायत पुलिस को की थी। शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दीपावली के एक दिन पूर्व 3 तारीख को सेफी नगर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर फरियादी अनस अली और उनके साथियों के साथ 3 बदमाशों ने लूटपाट की घटना घटित की थी। इस संबंध में विवेचना के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई थी, पास में ही हरिजन कॉलोनी में रहने वाले सागर, भानु खटीक और अभिषेक सिरसिया द्वारा ये घटना की गई थी, जिसमें 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मोबाइल जो लूटे गए थे उन मोबाइलों को जब्त कर लिया गया है। ये जनरली नशे के आदि हैं और नशे के प्रयोग के लिए इन्होंने घटना घटित की थी। और ये जो सागर है इसके विरुद्ध थाना विभिन्न थानों में इंदौर के विभिन्न थानों में कल लगभग 10 अपराध दर्ज पहले से दर्ज हैं और एक भानु घटी के उसके खिलाफ भी 2 अपराध दर्ज हैं और अभिषेक नया साथी था इनका जो पकड़ा गया है इसके खिलाफ भी 1 अपराध दर्ज है। पूर्व के अपराधी हैं और ये अपने नशे और शौक के पूरा करने के लिए सुनसान जगह को देखकर अपराध करते थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य मामलों के बारे में पूछताछ कर रही है।